नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज स्टार्ट करेंगे, एनालॉजी है जो कि दूसरा पार्ट होगा, टाइप वन में है। तो स्टार्ट करते हैं, 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, 81वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, 81वां क्वेश्चन है, एक सौरता का संबंध अनेक रूपता से है, उसी प्रकार अपरिक्ष का संबंध किससे होगा। अपरिक्ष का संबंध किससे होगा, तो हो जाएगा आपको परिष्करण से, हो जाएगा आपको परिष्करण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, लुगदी का संबंध कागज से है, तो उसी प्रकार सन का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए, लुगदी से कागज़ बनाया जाता है, उसी प्रकार सन से रस्सी बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चोट का संबंध दर्द से है, उसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए, जब चोट लगता है तो दर्द होता है, तो उसी प्रकार गड़गड़ाहट होता है तो त्वरित होता है, यानी बिजली चमकता है, त्वरित का मतलब बिजली चमकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, माइक्रोफोन का संबंध प्रबल से है, जिसको लाउड कहते हैं यानी आवाज़ कहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे होगा। तो सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे होगा, तो हो जाएगा आपको आवर्धन करना से होगा, क्योंकि देखिए माइक्रोफोन आवाज़ को ज़्यादा बढ़ाता है, उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी होता है जो कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके बना देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवर्धन करना। अगला है, कप का संबंध ओठ से है, तो पक्षी का संबंध किससे होगा। तो यह देखिए, कप में देखिए कोई चीज़ पीते हैं तो ओठ लगता है, ओठ में लगाकर तब पीते हैं, तो उसी प्रकार पक्षी है जो, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, पक्षी है जो कि घास को उठा के घोंसला बनाने के लिए ओठ से करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, गाजर का संबंध जड़ से है, तो सेब का संबंध किससे होगा। तो देखिए, गाजर एक जड़ है, तो सेब एक फल है। सेब एक पुष्पासन होगा, लेकिन पुष्पासन नहीं है तो फल आप लगाएंगे, क्योंकि वो पुष्प नहीं लगाएंगे, फल लगाएंगे। अगला है, कबूतर का संबंध शांति से है, तो इसमें डैश का संबंध डैश से होगा। तो यहाँ देखिए, कबूतर होता है जो कि शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार सफ़ेद झंडा होता है जो कि समर्पण का प्रतीक होता है। अगला है, मछली का संबंध पक्षी से है, तो डैश का संबंध डैश से है, तो हो जाएगा, देखिए मछली है जो कि पानी में रहता है, मछली पानी में रहता है और पक्षी उड़ता है ऊपर में उड़ता है, तो उसी प्रकार पनडुब्बी है जो कि मछली पानी में तैरता है, तो पनडुब्बी पानी में तैरेगा, पक्षी ऊपर उड़ता है तो वायुयान ऊपर उड़ेगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सुनार का संबंध स्वर्ण से है, तो उसी प्रकार डैश का संबंध डैश से होगा। देखिए, सुनार है जो कि सोना को अपने मतलब कामगार में लेते हैं, यानी देखिए सोना का कुछ बनाते हैं, तो उसी प्रकार बढ़ई होता है जो कि लकड़ी का कुछ भी सामान बनाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, औषध विक्रेता औषधालय से संबंधित है, तो इसमें से हो जाएगा पुस्तकालय अक्ष सूचीपत्र से संबंधित होगा। अगला है, कार गैराज से संबंधित है, तो उसी प्रकार वायुवान किससे संबंधित होगा। तो यहाँ देखिए, कार है जो कि गैराज में रखा जाता है, तो उसी प्रकार वायुयान होता है जो कि हंगर में रखा जाता है। अगला है, क्रूर का संबंध दयालु से है, तो उसी प्रकार
नम्रता का संबंध किससे होगा? तो नम्रता का संबंध दर्प से होगा, नम्रता का संबंध दर्प से होगा। देखिए क्रूज का विपरीतार्थक होता है दयालु, तो उसी प्रकार नम्रता का विपरीतार्थक होता है दर्प होता है। अगला है कीट का संबंध मक्खी से है, कीट का संबंध मक्खी से है तो स्तनपायी का संबंध किससे होगा? तो देखिए मक्खी एक कीट होता है, कीट के अंतर्गत मक्खी आता है, तो उसी प्रकार मानव होता है जो कि स्तनपायी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कैलेंडर का संबंध तिथि से है, कैलेंडर का संबंध तिथि से है तो उसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा? तो हो जाएगा यहाँ कोष का संबंध सबसे होगा। देखिए क्योंकि कैलेंडर में तिथियाँ होती है, उसी प्रकार कोष में शब्द होते हैं। अगला है भारत का संबंध आम से है, तो न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा? न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल होता है जो कि आम होता है, उसी प्रकार भारत में बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है, इसीलिए न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा कीवी पाया जाता है। अगला है हिंदुत्व ईसाइत इस्लाम का संबंध धर्म से है, तो उसी प्रकार डैश का संबंध डैश से होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको शीतकाल का संबंध वसंत ग्रीष्म ये सभी ऋतु। देखे हिंदुत्व ईसाइत जिसको इस्लाम कहते हैं, ईसाई जिसको कहते हैं और इस्लाम, ये सभी धर्म हैं। उसी प्रकार शीतकाल बसंत ग्रीष्मकाल ये सभी ऋतुएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आकर्षक का संबंध सुंदर से है, आकर्षक का संबंध सुंदर से है, उसी प्रकार पुरुष का संबंध किससे होगा? तो पुरुष का संबंध देखिए आकर्षक का उल्टा सुंदर होता है, तो उसी प्रकार विपरीतार्थक होता है, तो पुरुष का विपरीतार्थक हो जाएगा स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है संतोषजनक का संबंध उत्तम से है, संतोषजनक का संबंध उत्तम से है, उसी प्रकार गर्म का संबंध किससे होगा? तो गर्म देखिए संतोषजनक का समान अर्थ होता है उत्तम होता है, उसी प्रकार गर्म का समान अर्थ होगा उष्मा देगा। अगला है मिस्त्री का संबंध स्पेनर से है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो देखिए मिस्त्री का औजार होता है जो कि स्पेनर कहलाता है, उसी प्रकार बढ़ई का औजार होता है जो कि आरी कहलाता है। अगला है अनाज का संबंध गोदाम से है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए अनाज होता है जो कि गोदाम में रखा जाता है, अनाज होता है गोदाम में रखा जाता है, उसी प्रकार जल होता है जो कि बांध बनाकर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भूख का संबंध है भोजन से है, भूख का संबंध भोजन से है, उसी प्रकार रोग का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए भूख का संबंध जब भूख लगता है तो भोजन खाते हैं, अगर रोग होता है तो औषधि लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है पतला का संबंध मोटा से है, तो बौना का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए पतला का विपरीतार्थक शब्द होता है मोटा होता है, तो बौना का विपरीतार्थक शब्द होगा लंबा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आदमी का संबंध आत्मकथा से है, तो राष्ट्र का संबंध किससे होगा? तो देखिए आदमी का जीवनी होता है जो कि आत्मकथा कहलाता है, इसीलिए राष्ट्र का जीवनी होगा जिसको इतिहास रचते हैं। अगला है फसल का संबंध खेत से है, उसी प्रकार ऐश का संबंध किससे होगा?
तो देखिए, फसल कहाँ बोई जाती है, कहाँ से काटी जाती है, तो खेत में काटी जाती है या खेत से उपजाया जाता है। तो उसी प्रकार एक्स कहाँ पाया जाता है, तो एक्स खदान, खदान में होता है, खदान में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, स्वगति का संबंध कार्यालय से है। स्वगति का संबंध कार्यालय से है, तो सत्कारिणी का संबंध किससे होगा? तो सत्कारिणी का संबंध किससे होगा? वायुयान से होगा। अगला है, कुत्ता का संबंध जलांतक से है। उसी प्रकार मच्छर का संबंध किससे होगा? तो देखिए, कुत्ता काटता है तो जलांतक होता है, जलांतक नामी बीमारी होता है। तो उसी प्रकार मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। अगला है, चिकित्सक रोगी या चिकित्सक का संबंध रोगी से है। चिकित्सक का संबंध रोगी से है। उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होगा? वकील का संबंध किससे होगा? तो देखिए, चिकित्सक होता है जो कि रोगी को एक उपचार की भांति सहायता करता है। उसी प्रकार वकील होता है जो कि मुक्ति कल की तरह व्यवहार करता है। अगला है, बैंची का संबंध मेढक से है। बैंची का संबंध मेढक से है। उसी प्रकार शावक का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए, बैंची होता है जो कि मेढक का बच्चा होता है, बैंची होता है मेढक का बच्चा होता है। उसी प्रकार शावक होता है जो कि सिंह का बच्चा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ईंट का संबंध राजमिस्त्री से है। ईंट का संबंध राजमिस्त्री से है। उसी प्रकार रंग का संबंध किससे होगा? तो देखिए, राजमिस्त्री होते हैं जो कि ईंटों से घर बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ होते हैं क्या, पेंटर होते हैं, पेंटर होते हैं जो कि पेंटों का पेंटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, नींद का संबंध आराम से है। नींद का संबंध आराम से है। उसी प्रकार खेल का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार खेल का संबंध किससे होगा? तो देखिए, अगर नी देखिए जब नींद आता है तो आराम करते हैं, उसी प्रकार खेल आता है तो आनंद आता है। ऑप्शन नंबर ए, आनंद आता है, आनंद आनंद आता है। अगला है, द्वितीयार्थ का संबंध समानार्थ से है। उसी प्रकार विश्लेषण का संबंध संश्लेषण से होगा। अगला है, मानव का संबंध शिशु से है। उसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा? तो देखिए, मानव होता शिशु होता है जो कि मानव का बच्चा होता है, शिशु होता है मानव का बच्चा होता है। उसी प्रकार शावक होता है सिंह का बच्चा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ज्वालामुखी का संबंध लावा से है। ज्वालामुखी का संबंध लावा से है। उसी प्रकार अग्नि का संबंध किससे होगा? तो देखिए, ज्वालामुखी से लावा निकलता है और अग्नि से भस्म होता है। अगला है, नेकलेस का संबंध सिंगार से है। नेकलेस का संबंध सिंगार से है। तो डैश का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए, नेकलेस एक सिंगार होता है। उसी प्रकार कान से एक पदक होता है। बी ऑप्शन नंबर, सॉरी बी नहीं होगा यहाँ, मेडल। मेडल एक समान होता है, मेडल एक समान होता है जो कि कान से ये अंदर का चीज हो गया, जो कि स्वर्ण रजत और कांस्य ये अंदर का हो गया, जो कि मेडल एक पूरा अंदर आता है, तो इसीलिए ए हो जाएगा। अगला है, सफेद का संबंध सॉरी काला का संबंध सफेद से है। उसी प्रकार ऊपर का संबंध किससे होगा? तो देखिए, काला का विपरीत होता है उजला होता है। तो उसी प्रकार ऊपर का विपरीत क्या होगा? तो नीचा होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, जीवन का संबंध मृत्यु से है। जीवन का संबंध मृत्यु से है। तो उसी प्रकार आशा का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जीवन का विपरीत होता है मृत्यु होता है, तो आशा का विपरीत होगा निराशा। ऑप्शन नंबर डी सी सी। अगला है, वृद्ध का संबंध विशाल से है। उसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा? इसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा? तो देखिए, वृद्ध का समान अर्थ होता है, विशाल होता है। उसी प्रकार गोल मटोल का संबंध समान अर्थ होता है, मोटा। सी ऑप्शन नंबर। अगला है, जीवन का संबंध मृत्यु से है। तो आरंभ का
संबंध किससे होगा, आरंभ का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए, जीवन का समान अर्थ होता है मृत्यु होता है, सॉरी जीवन का विपरीत होता है मृत्यु होता है, तो आरंभ का होगा अंत होगा, अंत होगा दे। अगला है टोकना का संबंध बोलना से है, टोकना का संबंध बोलना से है, तो इसमें घुसपैठ का संबंध प्रवेश से होगा। अगला है निर्धनता का संबंध बेरोजगारी से है, निर्धनता का संबंध बेरोजगारी से है, तो इसमें हो जाएगा कुपोषण। तो अरक्तता का संबंध किससे होगा, तो कुपोषण से होगा। निर्धनता से देखिए बेरोजगारी होता है और अरक्तता से कुपोषण एक बीमारी होता है। अगला है अवज्ञा का संबंध आज्ञा पालन से है, तो विश्राम का संबंध परिश्रम से होगा। अगला है रोगी का संबंध चिकित्सक से है, रोगी का संबंध चिकित्सक से है, तो विद्यार्थी का संबंध सलाहकार से होगा। अगला है घोड़ा का संबंध खुर से है, घोड़ा का संबंध खुर से है, तो उसी प्रकार मनुष्य का संबंध पैर से होगा। अगला है ऑक्सीजन का संबंध जलाना से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध होगा आग बुझाना या बुझाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हाँ का संबंध नहीं से है, तो जीवित का संबंध किससे होगा, तो देखिए हाँ का विपरार्थक शब्द होता है नहीं होता है, हाँ का विपरार्थक शब्द नहीं होता है, तो यहाँ जीवित का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो जीवित का विपरार्थक शब्द होगा सजीव, सॉरी सजीव सही है, सजीव सजीव एक मिनट, जीवित का सजीव जीवन मृत, जीवित का संबंध एक मिनट, हाँ का उल्टा होता है नहीं, तो जीवित का हो जाएगा मृत हो जाएगा, जीवित का मृत हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है मनुष्य का संबंध घर से है, मनुष्य का संबंध घर से है, तो डैश का संबंध किससे होगा, तो डैश का संबंध किससे होगा, तो यहाँ देखिए हिंसक पशु का संबंध माद से है, माद जैसे एक घर रहने वाला होता है माद, तो पशु होता है जो कि माद में रहता है, मनुष्य घर में रहता है। अगला है चारा का संबंध मवेशी से है, चारा का संबंध मवेशी से है, तो उसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार डैश का संबंध किससे होगा, तो देखिए चारा होता है जो कि जानवर को खाने के लिए होता है, मवेशी को खाने के लिए होता है, उसी प्रकार घास होता है जो कि घोड़े को खाने के लिए होता है। अगला है हकलाहट का संबंध बोलना से है, हकलाहट का संबंध बोलना से, उसी प्रकार बहरापन का संबंध किससे होगा, बहरापन का संबंध, तो देखिए हकलाहट मतलब होता है थोड़ा थोड़ा जैसे तुतला टाइप पे होता है वैसे होता है, तो उसी प्रकार बोलता है, तो उसी प्रकार बहरापन का मतलब होता है, बहरापन का मतलब होता है, बहरापन का मतलब होता है सुनना, जो कि थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता है। अगला है पुत्र का संबंध भतीजी से है, पुत्र का संबंध सॉरी भतीजा से, पुत्र का संबंध भतीजा से, तो उसी प्रकार पुत्री का संबंध भतीजी से होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सूर्य का संबंध दिन से है, सूर्य का संबंध दिन से है, तो चंद्रमा का संबंध रात्रि से होगा।